गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद है। कुछ दबंगों ने अभिषेक नाम के एक स्टूडेंट पर गोली चला दी। हालांकि गोली तो अभिषेक को नहीं लगी, लेकिन उसके साथ मारपीट की गई। वही बताया जा रहा है कि बंदूक की बट से भी उस पर वार किया गया। दिनांक 22 को बस अड्डे के पास कुछ छात्रों में झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर के, और इसमें एक छात्र को पकड़ा गया था और जिसको चोट लगी थी। अभिषेक नामक छात्र ने सूचना आकर थाने में दी थी कि मुझे कुछ लोगों ने मारा पीटा है, तो उसको चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है और उसके द्वारा अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई। कोई मौके पे गोली वगैरह चलने की कोई बात सामने आई? सामने बता तो रहे थे उसकी तहरीर, जो वो उसने आके थाने में बताया था कि मुझे हवाई फायर किया उन्होंने, और इस संबंध में जाँच की जा रही है, जाँच की जा रही है, जो सही बात होगी। सर, चूंकि दोनों गुट छात्र हैं तो क्या पुरानी रंजिश चल रही थी या कोई चुनाव पहले भी इनमें? नहीं, चुनाव संबंधी कोई बात नहीं है। कोई फेसबुक को लेकर के, फेसबुक के प्रयोग के लेकर के दोनों में झगड़ा हुआ था, तो उसको फेसबुक वगैरह में किसी ने कोई टिप्पणी की होगी, तो उस बात को लेकर बात प्रकाश में आई है। जाँच की जा रही है, जो इसमें विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मुरारा में सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला ने अपने एक दर्जन साथियों के साथ मिलकर एक युवती का अपहरण करा लिया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने 5 घंटे के भीतर ही युवती को बरामद कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। वही पुलिस आज आरोपी महिला को न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड की मांग करेगी। बच्ची जो अपहरण होके गई है, कुछ ले गए, क्या मामला है? मामला है कल शाम को आवेदक जो है रणवीर यादव, हासीपुर कॉलोनी में उन्होंने कंट्रोल रूम को पॉइंट दिया था। एक पूजा शर्मा नाम की महिला, सरवट के नाम है, 8-10 लोगों को उनके घर पर आई और उनके यहाँ जो बच्ची रह रही थी कल्पना शर्मा, जो उसका ही परवट का नाम है, 18 वर्ष उम्र है, उसको जबरदस्ती मारपीट कर उठा के ले गई। तो सूचना में तत्काल मौके पर जाकर फरियादी से पूछताछ की गई। उसने बताया कि ये लोग ग्वालियर ले रहे हैं, तो ग्वालियर में भी डीडी नगर और अन्य इलाकों में छापेमारी थी। उसके बाद गोले के मंदिर में जाकर जो अपहृत बालिका थी उसको आरोपी महिला के कब्जे से बरामद कर उसको गिरफ्तार किया है। और आवेदक जो रणवीर यादव है उनकी रिपोर्ट पर 7 नामजद और 4-5 अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपहरण एवं घर में घुसकर मारपीट करने का मामला प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इसमें महिला आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है एवं प्रथम दृष्टया पूछताछ में यह तथ्य सामने आया है कि आरोपी महिला एवं उसके साथ के लोग इस बच्ची से एवं अन्य लोगों से भी ग्वालियर में सेक्स रैकेट चलवाते थे। इस संबंध में न्यायालय के बयानों के पश्चात अन्य साक्ष्य संकलन के पश्चात जो भी कार्रवाई होगी उसके संबंध में प्रतिवेदन या FIR ग्वालियर पुलिस को प्रेषित की है। सर, इसमें कितने आरोपी बनाए गए हैं? 12 आरोपी बनाए गए जिनमें 7 नामजद हैं। वहीं मेरठ के जल निगम के अधिकारी अमित शेरावत ने बारिश के पानी को पीने योग्य बना डाला ताकि उसे उपयोग में लाया जा सके। आपको बता दें कि हार्वेस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बारिश के पानी को जरूरत की चीजों में उपयोग कर सकते हैं। वर्षा के पानी को एक निर्धारित किए हुए स्थान पर जमा करके वर्षा संचयन कर सकते हैं। इसको करने के लिए कई प्रकार के तरीके हैं जिनकी मदद से रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। सारी बिल्डिंग अपनी जोड़ी है, इसमें हमारा 70,000 का खर्चा आया, जिसमें हमारा बोरिंग जो हमने किया है वाटर लेवल तक वो भी इंक्लूड है, क्योंकि दिन प्रतिदिन क्या है वाटर की क्राइसिस बढ़ती जा रही है हर जगह। इवन मेरठ का ही हमारा जो वाटर लेवल है वो 0.5 मीटर से 1 मीटर तक का हर साल डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसमें लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर जागरूक नहीं हुए तो आने वाले 10 सालों में पानी की समस्या, जैसा कि नासा ने चेतावनी दी है BBC पे कि अगले 10 सालों में नॉर्थ इंडिया पूरा पानी से ख़त्म हो जाएगा, और आपका दिल्ली तो नेक्स्ट ईयर के लिए बोल दिया कि 2020 में दिल्ली के अंदर पानी नहीं मिलेगा। तो इसमें अगर मैंने कैलकुलेशन करी थी पूरे मेरठ शहर की, तो अगर 50% जनता भी सिस्टम को अडॉप्ट कर लेती है तो हमारा जितना मेरठ का कंजप्शन 320 ml डेली का, उससे दुगना पानी हम एक सीजन में बचा सकते हैं, 320 यानी 640 ml पानी। मैंने यहाँ पे नगर निगम के लिए कैलकुलेशन की थी, पायलट प्रोजेक्ट पे तौर पे नंगला बट्टू पंप हाउस है वहाँ पे लगाया भी है, 9 स्क्वायर मीटर के एरिए से एक सीजन में, क्योंकि मेरठ का जो 835 mm रेनफॉल है एज पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो उसकी कैलकुलेशन हमने ये निकाला कि 4,608 लीटर पानी एक सीज़न में हम एक पंप हाउस से ज़मीन के अंदर भेज सकते हैं। तो
मुरैना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर जा पलटी। इस हादसे में एक दर्जन के करीब यात्री घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।